और इससे बेस्ट वीडियो आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा इस मल्टीमीटर का, ये दावा करता हूँ मैं। आईफोन में BPH नहीं बोलते, आईफोन में इसको VDD लाइन बोलते हैं। जो यहाँ पे आपको VDD लाइन है वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे वोल्टेज, ये देखिए। पर जो इसका GR आना चाहिए वो क्योंकि BBAT है और वो बाद में जाके BPH बन जाता है, तो इसका GR जो आना चाहिए वो आना चाहिए 250 से 600 के बीच में। तो आप देखेंगे इस पे जो GR आ रहा है वो 443, मतलब ऐसा लैक नहीं दिखाई देगा आपको कि इतनी एक्यूरेट रीडिंग है आपकी। आप अपने मल्टीमीटर को डिजिटली आप किसी भी मोबाइल में, आप टीवी पर, आप किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट है। अगर मैं बात करूँ ये कंप्लीट ये मल्टीमीटर, इसको मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। एक ऑटो मोड मल्टीमीटर, एक टेम्परेचर के साथ मल्टीमीटर, आप इसमें टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, कनेक्टिविटी ब्लूटूथ के साथ कोई सा भी फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप डायोड मोड, बजर मोड में भी है, उसका डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ा है, इसमें लाइट भी है। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं। हाँ, मैं YouTube की फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं एक मल्टीमीटर की, और ये मल्टीमीटर एक ब्लूटूथ मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर का रिव्यू, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके ऑलमोस्ट सारे फंक्शन, बहुत डिटेलिंग टेक्निकल व्यू के सारे टेक्नीशियन और एक एक्सपर्ट की नज़र से। ये वीडियो खाली मत जाने देना, इसको लाइक ज़रूर कर देना, बहुत लाइक चाहिए आपके। और साथ में और भी मल्टीमीटर के हमारे वीडियो डले हुए हैं चैनल पे, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। और अगर आप ऐसे ही कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आपको मल्टीमीटर चलाना नहीं आता और अभी तक आप वो एक छोटे मल्टीमीटर में पड़े हुए हैं, आप चाहते हैं कि एक बेस्ट मल्टीमीटर परचेस करें, और आप जानना चाहते हैं कि वो बेस्ट कौन सा है, और आप जानना चाहते हैं एक बड़े टेक्नीशियन कौन से मल्टीमीटर यूज़ करते हैं, तो आइए आज उनकी बात करते हैं। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ एक मल्टीमीटर है जो ब्लूटूथ फंक्शन के साथ है, जो कनेक्ट हो जाता है आपके मोबाइल के साथ, और क्या स्पेशलिटी इस मल्टीमीटर की होगी ये बात करेंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं। और उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आपने मल्टीमीटर के वीडियो नहीं देखे तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिए हमारा चैनल का नाम देवचंद अग्रवाल, और यहाँ पर सर्च करने के बाद आप इसकी वीडियो की लिस्ट में जाइए। वीडियो की लिस्ट में जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने मल्टीमीटर पे बहुत सारे वीडियो डाल के रखे हुए हैं, और जैसे अभी लास्ट ही मैंने मल्टीमीटर का वीडियो डाला था, यहाँ पर बहुत सारे मल्टीमीटर यहाँ पर हमने आपको बेसिक से पूरे एडवांस तक आपको बताए हुए हैं। तो ये वीडियो देखिए यूट्यूब पर अगर आपने नहीं देखे हैं, क्योंकि जानिए कि किस मल्टीमीटर की क्या खासियत हो सकती है और आपको कौन सा मल्टीमीटर परचेस करना चाहिए जो आपको सही नॉलेज दे। सो आइए बात करते हैं इसकी। इसका क्योंकि मेरे पास में जो बॉक्स है वो आया नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना मल्टीमीटर है। पुराना एक तरह से कहें कि मेरे ख्याल से 6-8 महीने हो चुके हैं मेरे ख्याल से उसको परचेस किए हुए, और क्योंकि मुझे लगा कि चलो आज इसका भी एक रिव्यू वीडियो बनाया जाए, एक क्योंकि मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ और क्लासेस में भी ले जाता था, कुछ क्लास के स्टूडेंट शायद इसको देखकर पहचान गए होंगे कि मैंने मल्टीमीटर एक दो बार उनको इससे भी चाहिए टेस्टिंग कराई है। ये मैं अपने पर्सनल लैब में रखता हूँ और पर्सनल टेस्टिंग के लिए। तो अगर मैं इस मल्टीमीटर की बात करूँ तो इस मल्टीमीटर के, आइए थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कैसा करीब से पास से ये दिखता है, क्या क्या इसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, और क्या ये मल्टीमीटर लेने लायक है, और इसकी जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से वर्क करती है, तो आइए देखेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपने लाइव क्लासेस देखनी है हमारी फेसबुक पर डेली चिप लेवल पे, आप एंड्रॉयड सीखना चाहते हैं एडवांस लेवल पे, मैं आपको सिखाऊंगा एकदम लेटेस्ट फ़ोन में, एकदम लेटेस्ट फ़ोनों में जो आप चला रहे होंगे, मैं उनकी टेक्नोलॉजी आपको बताऊंगा, और IC के अंदर तक ये कि
आपके जो पैड लाइन कैसे काम करती हैं। मैं यहाँ वहाँ की कोई बात नहीं करूँगा, बट मैं आपको बताऊँगा सही तरीका कि एक आईसी चेंज करने के बाद भी अगर काम नहीं होता है तो आईसी के अंदर हमें कौन कौन से जरूरी वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी, मेन जीआर, हमें लाइनें चेक करनी पड़ती हैं, और वो सारी डाटा सीट बिना डायग्राम के आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा कि अगर बोर्नियो पर काम कर रहे हैं तो आधा अधूरा काम करने हैं। बोर्नियो से काम करने वाले लोग एक बार समझ लो, मैंने ये वीडियो में बताया, आपने हर क्लास में बताया है कि बोर्नियो ने एक आधे 50% लेवल तक आपको लाइनें दिखाई हैं, उसके ऊपर वो लाइनें ख़त्म कर दी हैं। अगर आप एंडलेस काम करना चाहते हो तो रिपेयरिंग सीखो, बोर्नियो पर डिपेंड लोग मुझे पूरा यकीन है दिन में 5 सेट तो रिटर्न कर ही देते होंगे 10 में से। चलो ठीक है, ये वीडियो बोर्नियो पर नहीं है, वीडियो मल्टीमीटर पर आई है, देखते हैं पास से इस मल्टीमीटर को और इसके सारे फंक्शन। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ इस मल्टीमीटर पर, क्योंकि काम करते करते इस मल्टीमीटर पर, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे मेरी लैब में मैंने एक और टेक्नीशियन बैठने की जगह बनाई है। सपोज़ यहाँ पर अगर मुझे कुछ फ़ोन वोन खोलना है या फिर किसी कोई बारीक बारीक काम करना है तो मैं अपने यहाँ पर बैठता हूँ मेन। और दूसरा, पहले मैंने यहाँ बनाया था तो मैंने एक नया यहाँ पर लैब थोड़ी बनाई है, तो बेसिकली थोड़ा काम करते हुए इस मल्टीमीटर की जो स्क्रीन पे है ना थोड़ा थिनर गिर गया था, तो इसके लिए थोड़ी सी स्क्रीन इसकी ब्लर है, बट नॉर्मल है, आपको दिखाई देगी। और क्योंकि हमने इसको जितना हो सकता उतना क्लीन किया है, बट वीडियो में बहुत हद तक आपको समझ में आ जाएगा, और इससे बेस्ट वीडियो आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा इस मल्टीमीटर का, ये दावा करता हूँ मैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मल्टीमीटर, जो यहाँ पर आपको ब्रांड दिख रहा होगा यहाँ पर ZOYI, और ये इसका मॉडल नंबर है। मॉडल नंबर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो मॉडल नंबर है ZT300AB, और यहाँ पे कुछ करेक्टर्स लिखे हुए हैं जो कि मिट गए हैं जैसे कि मैंने बताया थिनर, हालांकि आपको प्रॉपर दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये रिव्यू वीडियो है और मैंने जैसे कि बताया इस पर थिनर गिर गया था। और अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसके नीचे के पैनल पे इस पर क्या क्या आपको फंक्शन देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों आइए इसकी बात करते हैं कि यहाँ पर हमने स्क्रीन का पैनल तो हम इसको देखेंगे ही कि इस पर यहाँ पर क्या क्या दिखाई देता है, पर इसके जो नीचे का फंक्शन है, सारे फंक्शंस को समझते हैं कि यहाँ पर आपको इस मल्टीमीटर में क्या क्या मिल जाएगा थोड़ी बारीकी से। तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे, यहाँ पर आपको जो ब्लू कलर का ये बटन दिख रहा है इस पर लिखा हुआ होल्ड, और इस पर लिखा हुआ है आपको एक लाइट का चिन्ह बना हुआ है, तो ऑब्वियस है कि इसको दबाने पर लाइट बंद और चालू हो जाएगी। प्लस आप देखिए इसको यहाँ पर दबाने पर इसके होल्ड भी आ रहा है, अगर मान लो आपको कोई वोल्टेज या कोई रीडिंग या कोई वैल्यू आपको मल्टीमीटर की होल्ड पे करनी है तो आप इसको ये दबा सकते हैं। अब यहाँ पर रेंज आ रहा है, रेंज क्या होता है मैं आपको बताऊँगा। जैसे सपोज हम यहाँ पर सेट कर दिया है हमने ओम्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर मेगा ओम्स आ रहा है, तो यहाँ पर ये इसकी रेंज है, ये किलो ओम्स हो गया, और किलो से फिर इसको ये मेगा हो गया, और प्लस ये यहाँ पर जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ये पॉइंट भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट यहाँ लग गया, यहाँ पॉइंट यहाँ, तो यहाँ पर ये रेंज इस तरह से बताएगा। अब जैसे इसको मैं वोल्टेज में बताऊँ तो देखिए अभी DC वोल्टेज में ये आपको इतना दिखा रहा है, और रेंज बढ़ाऊँगा तो इतना, और रेंज बढ़ाऊँगा इतना, मतलब अब यहाँ पर आप यहाँ पर जो मिली जो वोल्टेज है वो आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको डायरेक्ट 1 वोल्टेज होंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आपको इसमें मिली वोल्टेज भी देखना है तो आप ये रेंज को यहाँ पर सेट कर सकते हैं, तो ये रेंज आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में आप यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है जिस पर REL और एक ट्राइंगल बना हुआ है, एक बटन यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम दिया हुआ है, और एक बटन यहाँ पे हर्ट्स दिया हुआ है कि हर्ट्स पे आप चेक कर सकते हैं। और उसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक यहाँ पर आपको सबसे मेन बात एक ब्लूटूथ का बटन भी दिया हुआ है। सो देखिए जब आप ब्लूटूथ का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे एक ब्लूटूथ का जो साइन है वो इनेबल हो जाएगा, और ये आपके मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करेगा। खैर इसको कनेक्ट करते हैं अपन, मैं वीडियो में बने रहना, पहले मैं इस मल्टीमीटर के बारे में बता दूं, फिर इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा और कैसे वर्क होता है ये भी बताऊंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगर मैं इसके रोटेटर की बात करूं तो यहाँ पर आपको ऑफ, यहाँ ऑटो मोड में आप DC चेक कर सकते हैं, और रीडिंग रेजिस्टेंस की ये चेक कर सकते हैं, बीप हो गया, बीप भी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर ऑटो के आगे की बात करें तो ऑटो के आगे के बाद यहाँ पे आपको 2 वोल्टेज मिलेंगे, एक आपको DC वोल्टेज और एक DC मिली वोल्टेज,
सो ये मिली वोल्टेज में आपको यहाँ पे ये अलग अलग इन्होंने डाला हुआ है, दोनों ही वोल्टेज डीसी के हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पे सिर्फ मिली लिखा हुआ है। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ओम्स ओमेगा का चिन्ह मिलेगा जो कि रेजिस्टेंस नापने के लिए होता है। और इसके साथ अगर आप इसको इस की को प्रेस करेंगे, हम इसको इस पी को सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारी सेलेक्ट लिखा हुआ है, SEL सेलेक्ट की है। तो जैसे ही मैं इसको दबाता हूँ तो यहाँ पर ये फराड, मतलब आप देख सकते हैं F आ रहा है, तो मतलब ये आप कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पर आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर है ना, आप देखिए ओमेगा डायोड और कैपेसिटर तीन चीज़ बनी हुई है, तो ओमेगा डायोड और कैपेसिटर और एक बजर, चार चीज़ है, 1 2 3 4। तो अभी फ़िलहाल जैसे मैंने इसको दबाया तो यहाँ पे बजर और डायोड दोनों एक साथ हैं, फिर दबाया तो फेराड, यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, फिर दबाया तो यहाँ पे ओमेगा, फिर दबाया तो बजर और डायोड। तो अच्छी बात यह है कि बजर और डायोड एक साथ आता है तो इसमें टेक्नीशियन को दिक्कत नहीं होती है। फ्लुक के मल्टीमीटर में क्या है कि आदत होती है बजर सुनने की, तो जब हम कूल टेस्टिंग करते हैं तो उसमें अलग अलग होती है, पर ठीक है, आप मल्टीमीटर में आप काम करेंगे तो आपको रीडिंग में आपको एक आदत सी लग जाएगी उस मल्टीमीटर की। तो उसके बाद में यहाँ पर हर्ट्स दिया हुआ है, आप हर्ट्स फ्रिक्वेंसी यहाँ पर नाप सकते हैं। फ्रिक्वेंसी आपको यहाँ पर बार में सो नहीं होगी, कोई ग्राफ नहीं बनेगा। अब इसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे एम्पियर, तो ये आपको एम्पियर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे मिली एम्पियर और यहाँ पे माइक्रो एम्पियर, तो यहाँ पे तीन आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मिली माइक्रो। तो आपने ये तो समझ लिया होगा, ओमेगा डायोड मोड और कैपेसिटर और बजर मोड। खैर हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट होता है, और डीसी चेक करना है तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। आपका एम्पियर चला जाता है तो ये मे बी यहाँ पर 10 एम्पियर तक ये इसको चेक कर पाएगा, ये मिली एम्पियर है यहाँ पर। और यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे माइक्रो एम्पियर आप चेक कर सकते हैं जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप मान लीजिए ये वाला मोड यूज़ करते हैं तो आपको अपना रेड प्रोब यहाँ लगाना पड़ेगा, ब्लैक यहाँ। अगर आप मान लीजिए ये वाला मोड यूज़ करते हैं तो आपको अपना रेड प्रोब यहाँ लगाना पड़ेगा और माइनस प्रोब यहाँ। और अगर आप मान लीजिए ये वाला मोड यूज़ करते हैं तो आपको रेड प्रोब यहाँ लगाना पड़ेगा और माइनस प्रोब यहाँ लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम प्रोब लगा देते हैं। अगर हम इसका बजर मोड ऑटो में कर देते हैं तो देखिए बजर भी काफ़ी अच्छा है, और बस स्क्रीन आपको थोड़ी सी ब्लर दिखाई दे रही होगी और यहाँ पे आपको लाइट जलती हुई दिखाई दे रही होगी। स्क्रीन का पैनल इसका काफ़ी बड़ा है, डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर इसको देखने में बहुत आसानी आती है। जब ये नया आया था तो बहुत अच्छा था, अब क्योंकि ये ब्लर हो चुकी है तो ये पूरा पैनल ही चेंज होगा स्क्रीन का। तो अगर मैं बात करूँ, चलिए इसको थोड़ा सा इसको चेकिंग करेंगे हम, तो यहाँ पर नीचे की बात करूँ तो आप नीचे क्या क्या चेक कर सकते हैं, मैं थोड़ी इसकी डिटेलिंग भी कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है वोल्टेज, अगर आप यहाँ लगाएंगे तो आप वोल्टेज, आप रेजिस्टेंस, आप डायोड मोड, आप बजर, आप यहाँ पर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर टेम्परेचर के लिए भी दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर टेम्परेचर बना हुआ है, सो आप यहाँ से टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में आपको दो टेम्परेचर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हर्ट्ज़ सारा मोड आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा, ग्राउंड यहाँ लगाना पड़ेगा। यहाँ की बात करेंगे तो मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर और यहाँ पर 10 एम्पियर का आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इस मल्टीमीटर में, और अगर मैं पीछे बात करूँ कि पीछे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे कॉशंस आपको दिए हैं कि आप डैमेज होने से बचाइए यहाँ पर, और अगर इसको आप गलत तरीके से इंस्टॉल मत कीजिए, तो इस तरह से यहाँ पर आपको कॉशंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक और फंक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि चलिए इसका ब्लूटूथ फंक्शन बात करते हैं, तो दोनों ही हम रेंज लेके चलेंगे। तो इसके लिए दोस्तों एक आपको है ना एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है, और वो एप्लीकेशन आप नॉर्मली इंस्टॉल कीजिएगा, वो है ब्लूटूथ DMM के नाम से, ये देखिए। तो आपको यहाँ पर सर्चिंग पे ये एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, ये देखिए। तो आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर ब्लूटूथ DMM ये मेरे में इंस्टॉल है। अगर आप सर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी स्कैनर कोड के थ्रू आप अपना स्कैनर ओपन करना, और इसके पीछे जो बार कोड दिया हुआ है आप इसको सर्च करना। तो जब आप इसको सर्च करेंगे तो भी आप इस एप्लीकेशंस के में पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ पर ब्लूटूथ DMM
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे दिख रहा है iOS में डाउनलोड करना है तो ये, एंड्रॉयड में करना है ये, और गूगल में करना है ये। तो तीनों मोड आपको मिल जाएंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इस तरह का सिम आपका लोगो मिल जाएगा, वी ओमेगा और डायोड बना होगा और दो प्रोब। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको इसको इंस्टॉल करके, नॉर्मली है, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा चलेगा और काम कैसा करेगा ये। आपको देखिए, अब इसका ब्लूटूथ मोड दबा हुआ है, मैं ब्लूटूथ मोड फिलहाल बंद कर देता हूँ। आपको सबसे पहले ये ओपन करना है, और ये ओपन करने के बाद इस तरह का कुछ एप्लीकेशन आपके खुल जाएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर जाकर आपको इसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। देखिए, तो जैसे मेरा रजिस्टर है ऑलरेडी, तो आपको इसको ना एक रजिस्टर करना पड़ेगा एक पासवर्ड और एक आईडी से। तो मैं यहाँ पर लॉगिंग हूँ ऑलरेडी। के बाद में अब आपको अपना ब्लूटूथ ओपन करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के बाद में आपको यहाँ पर ब्लूटूथ ओपन करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ब्लूटूथ ओपन करके। तो आप मेरा ब्लूटूथ देख रहे होंगे, तो जैसे ही आप ब्लूटूथ इसमें आप प्रेस करेंगे, ये देखिए, तो ये क्या करेगा, ये मेरे जो इसमें जो आपको ब्लूटूथ एक शो होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये ब्लूटूथ, तो आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरे में ऑटो कनेक्ट हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ और ब्लूटूथ, देखिए आप यहाँ पर, अब यहाँ पर ये ऑटो आ गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये मल्टीमीटर अब यहाँ पर आ चुका है। तो अगर मैं इसको इसमें करूँगा तो देखिए डीसी में दिखा रहा है, इसको यहाँ पे करेंगे तो ये मिली वोल्टेज प्लस, यहाँ पे हमें टेम्परेचर भी बताएगा, यहाँ पे हमें ओम्स, यहाँ पर हमको, अच्छा ओम्स के साथ में अब आप देखिए ये यहाँ पे देखिए डायोड और आपका बजर मोड, यहाँ पर आप देखेंगे तो एफ, यहाँ पर आपको नैनो फेराड, और यहाँ पर आपको सेम ओम्स, ये हर्ट्स, ये एम्पियर, और ये माइक्रो, और ये मिली, और ये माइक्रो। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर यही चीज़ मैं देखिए ब्लूटूथ बंद कर देता हूँ, ये देखिए ब्लूटूथ बंद कर दिया मैंने, और अब मैं इसको ऑन करूँगा तो आप देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क का चिन्ह बन गया है। अब मैं इसको टच करूँगा तो यहाँ पर लिखा है अनकनेक्टेड। तो मुझे क्या है कि एक बार इसको कनेक्ट करना है और फिर बहुत नॉर्मल है। अब देखिए, जैसे मुझे कभी भी काम करना है तो मैं इसका ब्लूटूथ बटन दबाऊंगा, तो ये नहीं है, सॉरी, ऊपर का है। तो देखिए ब्लूटूथ बटन चालू हो गया। तो देखिए अपने आप ही कुछ सेकंड में ये यहाँ से इसको ले लेगा। तो बस आपको चेक करना है कि आपका जो वो है ब्लूटूथ, वो ऑन होना चाहिए। मैंने यहाँ से ब्लूटूथ प्रेस कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए मेरा ब्लूटूथ बंद है, तो मुझे ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा। मैंने ब्लूटूथ ऑन कर दिया है। अब वापस मैं DMM ओपन करूँगा तो आप देखिए अपने आप आ गया। मैं फिर से दिखाता हूँ, अगर मान लीजिए मैं इसका ब्लूटूथ बंद कर देता हूँ, ये देखिए, देखिए जैसे मैंने इसका ब्लूटूथ बंद किया यहाँ पर चला गया। अब जैसे मैं इसका ब्लूटूथ ऑन करूँगा ये वापस आ गया, ये देखिए। तो कितना फास्ट है, मतलब पॉइंट सेकेंड में है, ये देखिए। तो अब ये मेरा एक मल्टीमीटर हो गया। ऐसे इस ऐप से के थ्रू आप चार मल्टीमीटर और कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं बजर मोड का यूज़ करता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है। देखो दोनों की रीडिंग देखो कितनी एक्यूरेट है, ये देखो दोनों की रीडिंग आप देखिए कितनी एक्यूरेट है, ये देखिए, मतलब ऐसा लैक नहीं दिखाई देगा आपको कि इतनी एक्यूरेट रीडिंग है आपकी। आप अपने मल्टीमीटर को डिजिटली आप किसी भी मोबाइल में, आप टीवी पर, आप किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप लैपटॉप में, क्योंकि सब जगह ये एप्लीकेशन शो आजकल इंस्टॉल हो ही जाते हैं। तो आइए चलते हैं इससे थोड़ा सा चेक करके, बेसिकली कि सबसे पहले आइए इससे थोड़ा GR चेक करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक, आप देख रहे होंगे, एक यहाँ पर मैंने आईफोन का ही बोर्ड लिया हुआ है और मैं ये बैटरी कैरेक्टर के इसके GR चेक करता हूँ। तो मुझे जो BBAT पे GR मिलने चाहिए,
तो वो जीआर मुझे मिलने, अच्छा जीआर चेक करने के लिए आप देखिए, तो मैं इसको डायोड मोड पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, ये देखिए, तो ये मेरा डायोड मोड आ चुका है। अब मैं इसका जीआर चेक करूंगा। तो जीआर चेक करने पर जो इसका जीआर आना चाहिए वो, क्योंकि बीबैट है और वो बाद में जाके बीपीएच बन जाता है, तो इसका जीआर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 250 से 600 के बीच में। तो आप देखेंगे इस पे जो जीआर आ रहा है वो 443 आ रहा है, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है, और आप दोनों ही स्क्रीन पे आप इसको देख सकते हैं। अब मैं इसका SWI की इसकी जीआर चेक करूंगा, जो कि अप्रॉक्स 4+ आना चाहिए यहाँ पर। तो देखिए वो आ रहा है 629+, मतलब ये +6 ही है, जो कि बिल्कुल सही है। और तीसरे पे ग्राउंड है तो बीप बजना चाहिए। सो देखिए यहाँ पे बीप इसलिए बज रही है क्योंकि ये बजर के साथ में, इसके डायोड मोड के साथ बजर मोड भी है, तो ये काफ़ी अच्छा है यहाँ पे चेक करने के लिए। मैं यहाँ पर जो VPH लाइन है, बेसिकली आईफोन में VPH नहीं बोलते, आईफोन में इसको VDD लाइन बोलते हैं, जो यहाँ पे आपको VDD लाइन है वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे वोल्टेज, ये देखिए। तो एक्यूरेट आपको 4.2 देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो इसमें DC-DC है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए इसका टेम्परेचर चेक करते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर डिग्री सेल्सियस आपको शो हो रहा होगा, तो मैंने इसको यहाँ पर इससे सेलेक्ट बटन से इसको डिग्री सेल्सियस में, देखिए जैसे मैं इसको दबाता हूँ तो देखिए ये फ़ारेनहाइट पे आ गया, फिर दबाऊँगा तो ये वोल्टेज मिली वोल्टेज, फिर दबाऊँगा और फिर दबाऊँगा तो ये डिग्री सेल्सियस। तो मुझे डिग्री सेल्सियस पे चाहिए ये मल्टीमीटर। अब यहाँ मैंने जो टेम्परेचर किया हुआ है वो 300 किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो आइए इसको चेक करते हैं। तो देखिए 282, और आप देखेंगे मल्टीमीटर में ग्राफ भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। तो देखिए किया मैंने 300 है, पर ये अभी 280 तक मुझे दिखा रहा है, देखिए 290 तक चला गया। पर देखिए 20 तक ये आपको अप फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब 300 पे आ चुका है देखिए वापस। तो ये 300 के नियर बाय देखिए इसको बता रहा है, देखिए 300 तक आ गया। सो आप देखेंगे 320 तक ये जा रहा है, 20 के ऊपर ये नहीं जा रहा है, मतलब मैक्सिमम अगर 300 की बात करूँ तो इसमें टेम्परेचर 320 तक जा रहा है। आप देखिए एक्यूरेसी देखिए दोनों की, आप इन दोनों की एक्यूरेसी देखिए कि आपको कितनी दिखाई देगी। और आपको देखिए ये नीचे ग्राफ देखिए, यहाँ पर ये यहाँ पर आपको ग्राफ देखिए किस तरह से यहाँ पर कम ज़्यादा कम ज़्यादा, और ये चीज़ आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी पूरे वर्ल्ड में। हाँ आपको इसके ऊपर भी बहुत से मल्टीमीटर है, पर इस बजट में, इस सेगमेंट में, इस तरह के मल्टीमीटर में आपको ये ग्राफ नहीं देखने को मिलेंगे। देखिए ये एनालॉग के, यहाँ पर आपको एनालॉग की तरह एक मीटर भी मिलेगा, डिजिटल एक ग्राफ कंप्लीट, जैसे मैंने बोला मल्टीमीटर का बाप बोल सकते हैं आप इसको बिल्कुल। इस मल्टीमीटर की रेंज भी काफ़ी है, मैं इसको यहाँ पर 10 मीटर तक इसको तो इस मल्टीमीटर की रेंज भी काफ़ी है, मैं इसको 5 से 10 मीटर तक की भी रेंज में रख सकता हूँ तो भी इसका ब्लूटूथ काम करता है, नॉर्मल ब्लूटूथ जैसे आप हेडफोन गाने वाने सुनने के लिए यूज़ करते हैं तो ये काम करता है। तो सब कुछ बताया कंप्लीट मल्टीमीटर के बारे में इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया ओवरऑल इसका रोटेटर के ऑप्शंस, सारे ऑप्शंस यहाँ पर जो हमारे यूजफुल ऑप्शंस हैं यहाँ पर, मिनिमम मैक्सिमम, और ये जो आपको ट्रायंगल दिया रियली इसका हमें यूज़ नहीं है। और अगर हम बात करें ये हर्ट्स, यहाँ पे आप बेसिकली इसे भी हम फ्रिक्वेंसी की कोई ज़्यादा चेकिंग करते नहीं हैं, ना ही ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसकी भी अलग अलग इक्विपमेंट है और प्रॉपर इक्विपमेंट है।
अगर मैं बात करूँ ये कंप्लीट ये मल्टीमीटर, इसको मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा, क्योंकि मल्टीमीटर अपने आप में एक पूरा एक अच्छा मल्टीमीटर है, एक ऑटो मोड मल्टीमीटर, एक टेम्परेचर के साथ मल्टीमीटर। आप इसमें टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, कनेक्टिविटी ब्लूटूथ के साथ कोई सा भी फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप डायोड मोड बजर मोड में भी है, उसका डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ा है, इसमें लाइट भी है, ब्राइटनेस भी इसकी काफ़ी अच्छी है। देखिए इतना ब्लर होने के बाद भी कितना अच्छा ये दिखा दे रहा है, अगर दूसरा कोई होता तो ये पूरा स्क्रीन ही ख़राब हो जाता। और काफ़ी टाइम है और मैंने अब तक बैटरी चेंज नहीं की है, मैं बता रहा हूँ 6 से 8 महीना मैं इसको बहुत यूज़ किया है। अच्छा है ये मल्टीमीटर है, ऑटो ऑफ ऑटो अगर यूज़ नहीं करेंगे तो 2-5 मिनट में अपने आप बंद हो जाता है और ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। और क्या चाहिए भाई इस मल्टीमीटर के बारे में, आपको सारी चीज़ें चेक करके बताइए, और नहीं आपने देखी तो वीडियो को पूरा देखिए और पूरा नॉलेज उठाइए। कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर, और एसर टेलीकॉम को जितना हो सकता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पढ़ने आना है तो पढ़ने आइए, और अगर हमारे आपने वीडियो नहीं देखे तो वीडियो देखिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको बहुत देखने को मिलेंगे, लिस्ट ही लिस्ट है। मैं मल्टीमीटर की कुछ लिंकें यहाँ नीचे वीडियो में डाल देता हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ये देखिए यहाँ पर V90C या DT17 या इसके अलावा भी बहुत सारे मल्टीमीटर हमने यहाँ पर रिव्यू में डाले हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच। किया सर, मैं लाइव पावर IC किया, CPU किया। जब CPU किया तो एक अंदर आए मतलब सर? हाँ सर, एकदम बढ़िया है, इन्हें CPU करवा दिया, ये तो है मतलब। हाँ, हाँ सर, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डे तो एकदम बढ़िया सा काम किया, डबल लगकर। यहाँ पे क्या क्या किया? लाइव CPU और पावर आई सी, और बाद में अब ये लास्ट दिन क्या करके गए? डबल डेकर। हाँ सर, डिसिप्लिन सब चीज़ है सर, यहाँ पे जो होनी चाहिए इंस्टीट्यूट में, जो सीखने के लायक जो चीज़ होनी चाहिए सब चीज़ अवेलेबल। अच्छा, लाइव क्या किया सर? लाइव मैंने CPU लगाया, पावर IC लगाया। आखिर दिन क्या किया? डबल डेकर। क्या हमने आपको बताया कि बोर्नियो कितना मतलब कितना बोर्नियो गलत है? हाँ सर, कि बोर्नियो ने आधा दूरा कान दे। हाँ सर, क्योंकि बना रहे हमारे जैसे ही लड़के। आप स्टूडेंट आते हैं कि नहीं सिखाते सर? यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जी जिसने PCB पे कोई भी कंपोनेंट छोड़ा हो। बिल्कुल, कनेक्टर से लेके कंपोनेंट से लेके लास्ट क्या करके गए आप? सर डबल डेकर किया था। डबल मोबाइल रिपेयरिंग लाइन में अच्छे से सीखना है तो एशियन टेलीकॉम में आया। आपने कभी IC पे काम किया था? कभी नहीं। यहाँ पे लाइव क्या किया आपने? लाइव CPU भी लगाया, IC पे भी लाइव काम, पावर IC पे काम, और IC पे। लास्ट दिन क्या करके गए? डबल डेकर। मैं जानना चाहता हूँ लास्ट डे क्या करके गए सर? लास्ट डे डबल डेकर। डबल डेकर राहुल, लास्ट डे डबल डेकर करके गए। बताओ कि लाइव क्या करके गए सर? लाइव 4G CPU निकाला, पावर लाइव बनाया उसको। हाँ सर, एक बार राहुल के लिए जोरदार ताली बजाइए भाई। सर लास्ट डे अपन ने मतलब ड्यूल टेकर पर वर्क किया, क्लीनिंग प्रोसेस पूरा सर, आपने तो 3 टाइम किया ना उसको? हाँ, मेरे वो ब्लैक पेस्टेड फोन था, वो मैंने खुद ऑन किया और सर को दिखाया। दिखाइए आप क्या क्या काम किया? लाइव पावर IC और लाइव CPU किया, और लास्ट डे क्या करके गए? ड्यूल टेकर। ड्यूल टेकर लाइव क्या किया आपने? सारे टोटल लाइव किया, EMC है, EMC लाइव पावर CPU लगाया कि नहीं लगाया? CPU टोटल लगाया, टोटल लगाया है। लास्ट डे क्या करके गए? डबल डेकर। तो आखिरी दिन क्या किया आपने? ड्यूल टेकर बढ़िया तरीके से। Yes, सर, आप किस पर? मेरे साथ लाइव क्या किया आपने? लाइव डुअल डेकर आपका लास्ट डे डुअल डेकर किया। हाँ दोस्तों, बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे, तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गया? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर CPU को मतलब जो है निकाले, और उसके बाद रिबोल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। CPU भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल डेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर CPU करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर CPU। और इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने किया? सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल डेकर क्या? मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल।
आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? सर आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपसे क्या करवाया? सीपीयू डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। आप मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर, डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने। सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट Thank you.